पुलिस और सीपीओ द्वारा वाहनों के चालान करने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडियाल ने बताया कि इस प्रकार पुलिस और सीपीओ द्वारा छोटे वाहनों पर चालान काटकर बड़ी रकम वसूलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं भारी और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर मैच छोटी रकम का चालान काटने के साथ साथ उनकी अनदेखी की जा रही है, जिससे लगता है कि पुलिस विभाग को यहां से एक निर्धारित रकम भ्रष्टाचार के रूप में प्राप्त हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार चालानों के एक ही मानक होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आरटीआई के माध्यम से उन्होंने सभी जानकारियां प्राप्त की हैं, अब वो इसको लेकर पुलिस विभाग में अपील करेंगे। ये जो जबरदस्ती के जो चालान काटे जा रहे हैं, जो पुलिस वाला चालान काटे जा रहे हैं, इसमें मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें मुझे बताया गया कि भाई पुलिस ने जो है दोनों ने ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू द्वारा जो है बाहर वाहनों में जो है कुल 1142 चालान काटे गए, जबकि मेरे कहे अनुसार जो है दो साल के अंदर ये अगर कम से कम अगर 1000 वाहन भी अगर बाहर वाहन आते होंगे शहर के अंदर, वैसे तो इनकी संख्या कई में है, तो औसतन लगा लो कि 7,76,000 वाहन इस दो साल के अंदर आए, उसमें से खाली 1142 ही चालान काटे गए वो लोड में ट्रक वगैरह के, तो क्या बाकी का, तो इसका मतलब मुझे भ्रष्टाचार की आशंका लग रही है। और जिसमें कि इनको चालान काटने की पावर नहीं है, कोर्ट के आदेश हैं, माने सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है यात्री वाहनों को, उसमें ये चालान काट रहे हैं। और आप ये लगा लो इन्होंने पूरे 2.25 साल के अंदर सिर्फ जो भार वाहन जो ट्रक वगैरह के होते हैं उसमें खाली पूरे 2.25 साल में इन्होंने चार टाकी सीज कर ली, तो आप इससे अंदाजा लगा लिए कि पुलिस कैसे है जो ये आम गूंद करके बैठी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्टाचार है, और जहां पर जो है इनको भ्रष्टाचार कहीं जहां पर कोई नहीं होता है वहां पर ये जबरदस्ती के चालान काट रहे हैं।